आई एम जितेंद्र कुमार। सबसे पहले आप लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें इग्नू एम ए इकोनॉमिक्स का पेपर MEC 003/103 असाइनमेंट पेपर 2018-19 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं। रिग्रेशन है, तो रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़े होंगे और थोड़ा सा हम ब्रीफली रिग्रेशन क्या है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद सीधे कम टू पॉइंट ये क्वेश्चन की सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन का मीन्स होता है गोइंग बैक। थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम आपको ये पॉइंट क्लियर कर देंगे और ऐसे इसका डिटेल में जब हमारे वीडियो बहुत जल्द ही हमारा वीडियो आप लोगों के सेवा में उपस्थित होगी। वो वीडियो का नाम रहेगा बेसिक स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स में, तो उसमें डिटेल में आपको रिग्रेशन के बारे में थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से आपको अवगत कराएंगे। पहले रिग्रेशन क्या था, आप समाज में देखते होंगे या एक एक्सपीरियंस किए होंगे कि जिनके पेरेंट्स का हाइट ज्यादा होता है तो उनके बच्चों को भी हाइट यूजुअली ज्यादा होता है। और यह भी ऑब्जर्व होता है कि जिनके पेरेंट्स का हाइट शॉर्ट है, कम है, टॉल नहीं है, शॉर्ट है, छोटे हैं, नाटे कद के हैं, तो उनके बच्चे का भी हाइट कम होता है। लेकिन आप जब एवरेज हाइट आप उन चिल्ड्रन का निकालिएगा जिनके पिताजी या मैंने पेरेंट्स का हाइट काफी ऊंचा है, तो एवरेज हाइट का टेंडेंसी होगा कि वो कम होगा। जिनके मैंने कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत लंबे हैं, अगर एवरेज हाइट उन बच्चों को निकाला जाए तो वो कम होता है। और दूसरी तरफ अगर एवरेज हाइट उन बच्चों को निकाले जिनके माता पिता शॉर्ट कद के हैं, मतलब छोटे हैं, नाटे हैं, तो उनका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो रिग्रेशन में यही है कि आप गोइंग बैक होते हैं। अगर रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स में नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स में, तो आपको पता चलता कि आज किसी व्यक्ति का जिनके माता पिता काफी लंबे थे उनकी हाइट कम से कम 10 फीट होती है और कोई बच्चे की हाइट 1 फीट होती है, तो ये है नहीं, रिवर्स होता है। जिनके माता पिता लंबे हैं तो फिर धीरे धीरे उनके 6 फीट है, तो 2-3 जनरेशन के बाद वो 5 फीट 8 इंच 9 इंच इस तरह होते हैं। जिनके इधर है क्या कहते हैं, जिनका हाइट मैंने छोटा है, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो यही चीज है ब्रीफली, लेकिन इसका डिटेल हम आपको जब वीडियो में बनाऊंगा बेसिक स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, तो उसमें आपको डिटेल मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप अगर यकीन नहीं हो, ट्रस्ट हम पे नहीं हो, तो आप एक बार प्रीवियस टर्म इन एग्जामिनेशन इग्नू का खोल के देखिए, MEC 003। ये अक्सर आते रहता, कभी कभी तो हर साल आता है, कभी तो 1-6 महीना के बाद तो आना ही। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजिली 12 नंबर इससे उठाया जा सकता है। इसमें ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 इक्वेशन को दिमाग में रखना है तो बहुत आसानी से, और 12 नंबर का जब कैरी करेगा क्वेश्चन, तो इसमें आपका तो असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन दे दिया इसी में। पहला है 2 रिग्रेशन लाइन, लेकिन वहां पर एक ही रिग्रेशन लाइन पूछा जाता है परीक्षा में, आइदर वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें और रिग्रेशन का कैसे इसका सोल्यूशन किया जाता है उसको आप सीखें, और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, उन विद्यार्थियों को जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जिन्हें ये सब मैथमेटिक्स सीखने का मौका नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं होते टीचर, तो उन लोगों को बहुत ही वरदान साबित होगा। प्लीज नाउ अब है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑप्टन 2 रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। तो 2 वैल्यू हमारा डाटा दिया गया है एक्स एंड वाई का, इसका कुछ कैलकुलेशन हम लोग करेंगे उसके बाद निकालेंगे। तो आप हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, नंबर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स पूरा, अगर एक्स को एक बार आप देखिए एक्स एक्स का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, ये एक्स का वैल्यू है। इसको आप समेशन कीजिएगा, जोड़िएगा सिंपली, तो ये आपका वैल्यू प्राप्त होगा 30। एन बराबर 5 है, एक्स बराबर 5, 7, 9, 8, 11, तो y का वैल्यू आपका आ गया 40।
40 आ गया। उसके बाद है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 2 को दो बार गुना कर दिया, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 10 into 10 100। इसको समेशन आप कीजिएगा, इसका वैल्यू आपको आएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं 220 आएगा, 220 आएगा। वाई स्क्वायर आप कीजिएगा, वाई 5 जा 25, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, 11 11 जा 121। इसका वाई स्क्वायर का वैल्यू 340 है। किस तरह हमने ये चीज निकाला है, ये सारे टर्म वो चीज हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। एंड सिंपली फाइनली एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, तो सिंपली 5 2 जा 10, एक्स और वाई 2, 4 7 जा 28, 6 9 जा 54, 8 8 जा 64, 10 into 11 120। इसका वैल्यू एक्स वाई का हमने 266 निकाला। आप सिंपली ऐड कीजिएगा तो यही चीज मिलेगा। तो टाइम सेव के लिए हम इस तरह बतला रहे हैं फास्ट में। अब ये वैल्यू हमें जब निकल जाएगा तो हम सबसे पहले ये वैल्यू दोनों में काम आएगा, इधर रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। तो पहले हम लोग चलते हैं कि इक्वेशन, दो इक्वेशन होता है रिग्रेशन का, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स में निकाल रहे हैं, ठीक है। जब वाई ऑन एक्स में निकालेंगे तो उसका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होगा, स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू a बाय बी एक्स, ये फॉर्मूला होगा, ये अंत में हमें काम देगी, यही लेंथ ऑफ इक्वेशन। इसके इस फॉर्मूला को पाने के लिए a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन है, हम y पर निकाल रहे हैं, तो समेशन ऑफ y इक्वल टू एम ए प्लस बी इंटू समेशन ऑफ x, अगेन समेशन ऑफ x इंटू y इक्वल टू a समेशन ऑफ x प्लस b इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। जब आप y के निकाल रहे हैं तो समेशन ऑफ y को लिख देना है, उसके बाद x के फंक्शन में निकाल रहे हैं तो ये पूरा x इस टर्म में होगा। जब हम x ऑन y निकालेंगे तो फर्स्ट में एक्स आ जाएगा, बाकी ये फंक्शन होगा वाई के टर्म में। तो बहुत आसान है, एक तो याद रखने से दोनों आपको आसानी से याद रहेंगे। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें जो वैल्यू है हमने ये लिख डाला है, वो वैल्यू को इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, तो इससे हमें दो इक्वेशन मिलेंगे सिमल्टेनियस इक्वेशन, उसको सिंपली सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 40 दिया हुआ, 40 मैंने लिख दिया, एन ए, एन का वैल्यू 5 है तो 5 ए लिख दिया, समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू 30 है तो 30 डी लिख दिया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसमें हम सारा वैल्यू वहां जो लिखा हुआ है उसी को सिर्फ सब्स्टिट्यूट किए और कुछ नहीं किए हैं। समेशन ऑफ एक्स वाई तो वो हमारा दिया गया है 266, समेशन ऑफ एक्स 30 है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 220 डी। अब ध्यान से आप देखिए, यहां पर दो इक्वेशन में अगर ए को एलिमिनेट कर देंगे तो बी का वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर सकते, लेकिन सवाल उठता है कि ए को कैसे एलिमिनेट करें। तो अगर हम इक्वेशन वन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 30 तो, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग हैव अ लुक, देखते हैं प्रोसेस। 6 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी हम वहां लिख चुके हैं। चलिए
सिक्स फोर जा 24 और एक जीरो, फाइव सिक्स जा 38, सिक्स थ्री जा 18, 180 बी एंड सेकंड एज इट इज। दूसरा इक्वेशन को हमने किसी से गुना नहीं किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया, तो एज इट इज जैसा है वैसा लिख देंगे। 38 प्लस 220 बी माइनस माइनस ये कैंसिल, प्लस 30 है प्लस माइनस 30 है, आप यहां पर सिंपली आप सबट्रैक्ट करोगे तो माइनस 26 आएगा। ठीक है, आप 30 ए प्लस 30 ए कैंसिल होके जीरो हो गया, यहां पर सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 20 माइनस 40, ये ए माइनस 40 बी, तो देयर फोर बी इक्वल टू 26 बाय 40, इसको आप डिवाइड करोगे आई थिंक 0.65, ये इक्वेशन का वैल्यू बी का मैं लिखा 0.65। अब काफी आसान हो गया है, इक्वेशन वन पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन वन का फिगर तो हम यहां पर है, बी का वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त किया इक्वेशन वन का वैल्यू। ये बी का वैल्यू जो हमने ऑब्टेन किया, अगर इक्वेशन वन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हम आसानी से ए का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो 40 इक्वल टू 5a प्लस 30 इंटू 0.65, तो मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू 19.5 आएगा। तो 40 इक्वल टू 5a प्लस 19.5, अब ये 40 में माइनस कर देते हैं 19.5 को तो हमें प्राप्त होती है 5a। ठीक है, फिर वन सेकेंड, देयरफॉर 5a इक्वल टू 20.5, देयरफॉर a इक्वल टू 20.5 बाय 5 4.1, हम लोगों ने a का वैल्यू प्राप्त किया 4.1। आप चेक कर लेते हैं 4.1 एग्जैक्टली। अब ये a और b का जैसे ही वैल्यू प्राप्त कर लेंगे तो हम इजिली लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन आसानी से प्राप्त कर देते हैं, वो आसानी से प्राप्त कर लेंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हमारा दिया गया है लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन का, वाई इक्वल टू ए बाय बी वाई बी एक्स। ओके, तो a का वैल्यू हम लोगों ने 4.1 निकाला और b का वैल्यू क्या है 0.65x। तो हम लोग लिख सकते हैं द रिग्रेशन लाइन y ऑन x y इक्वल टू 4.1 प्लस 0.65x, यही लाइन ऑफ इक्वेशन है। हम लोगों ने एक साइड का प्राप्त किया y ऑन x, अब नाउ द टर्म टू फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं उसकी दो फॉर्मूला होती है, बस फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग x ऑन y का निकालते हैं, ये b का वैल्यू नहीं है लेकिन ये पूरा वैल्यू काम आएगा उसमें भी। अब हमें निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन x on y। तो अब x इक्वल टू
a प्लस बी वाई। पहले अब x उसमें हम लोग y लिखते थे, लेकिन अब हम x लिखेंगे और x फंक्शन होगा y का, बस यही चीज को फिर निकाल देना है और पूरा इंफॉर्मेशन वही रहेगा, सिर्फ लाइन ऑफ इक्वेशन जो वैल्यू आएगा थोड़ा डिफरेंट रहेगा इससे। तो फर्स्ट में हम लोगों को दो इक्वेशन लिखते हैं, तो समेशन ऑफ x, वहां हम लोग y लिखते थे बस, जस्ट जहां जहां हम लोगों ने x का यूज किया था प्रीवियस में उसमें वहां y कर देना है, और जहां y का यूज किया तो वहां x कर देंगे, तो रिग्रेशन लाइन x ऑन y का फॉर्मूला इजी से प्राप्त कर सकते। समेशन ऑफ x इक्वल टू एम ए प्लस बी समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ एक्स वाई ए समेशन ऑफ y प्लस बी इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर, बहुत इजी से निकाल लिए हम लोगों ने। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों का वैल्यू, तो हमको दो इक्वेशन भी मिल जाएगा यहां से। तो समेशन ऑफ x का वैल्यू 30 इक्वल टू एन ए 5a प्लस समेशन ऑफ y का वैल्यू 40 भी इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 समेशन ऑफ एक्स वाई 266 a इंटू समेशन ऑफ y का वैल्यू 40a प्लस b इंटू y स्क्वायर, तो 340b इक्वेशन नंबर 2। हम लोगों ने दो इक्वेशन को प्राप्त कर लिया। अब सिंपली इक्वेशन 1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इलिमिनेट हो जाएगा, और a जब इलिमिनेट हो जाएगा तो b का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। जब b का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता है a का वैल्यू प्राप्त करना। तो चलते हम लोग कम टू पॉइंट। तो फर्स्ट इक्वेशन 1 को हम x से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दें, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं 8 3 24 और 1 0 5 एट या 40 है प्लस 8 4 या 32 और 1 एंड b इक्वेशन का वैल्यू एज इट इज रहेगा 266 इक्वल टू 40a प्लस 340 b। अब यहां पर हम इसको मिटा देते हैं। अब सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू, तो 40a कैंसिल और यहां पर आप चाहिएगा तो -26 एंड दिस टर्म 20b -20b, तो माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 26/20। सिंपली इसको आप करके खुद देख लेना, इसका वैल्यू 1.3 आएगा। 1.3 हम लोगों ने b का वैल्यू निकाल दिया 1.3। ये b का वैल्यू, अब a का वैल्यू निकालने के लिए हम b का वैल्यू आइदर ऑफ कोई भी इक्वेशन में हम पुट करके निकाल सकते हैं। तो पहले तो हमें इक्वेशन को मिटा दिया है, पहले उसे लिखना पड़ेगा, उसकी बाद ही वैल्यू इसकी मिलेगी। हम एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू a का b के वैल्यू प्राप्त करने के लिए। इक्वेशन a का फॉर्मेट है 5a प्लस 40b इक्वल टू 30। अब सिंपली b का वैल्यू हम लोगों ने 1.3 प्राप्त किया, तो 5a प्लस 40 इंटू 1.3 इक्वल टू 30। यहां अगर जीरो पॉइंट हटा देते हैं तो 10 बैठेगा, 00 कैंसिल, तो 5a प्लस 30 4 जा 52 इक्वल टू 30। एक स्टेप और बढ़ते हैं, 5a इक्वल टू 30 माइनस 52, आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -22, तो देयरफॉर a का वैल्यू हो जाएगा यहां पर -22/5, तो -4.4।
यस माइनस 4.4 हम लोगों ने ए का वैल्यू गेट किया है माइनस 4.4 तो हम लोगों का काम खत्म हो गया है। अब सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू, देखेंगे कैसे करते हैं। x इक्वल टू ए का वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त किया माइनस 4.4 प्लस b का वैल्यू 1.3 और y इट इज द लाइन ऑफ रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो दो वो वैल्यू है लेकिन परीक्षा में एक ही वैल्यू मैंने ऑप्टन करने को कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की क्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और भी एक से बेहतर वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सके। और अंत तक वीडियो देखने के लिए बाय हार्ट जितेंद्र कुमार की तरफ से थैंक यू।